बेसिक सी कुछ भी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इससे कॉन्टेक्ट पेज मैंने बना रखा है, इस कॉन्टेक्ट वाले पेज पर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ स्टेट, ठीक है। ये स्टेट क्या होती है, ठीक है, ये बेसिक सा क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है तो आपको स्टेट समझ में आएगा, ठीक है। वेरिएबल क्या है, जो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है। रिएक्ट जेएस के अंदर में किसी वैल्यू को अगर आपने स्टोर करना है तो आप यूज करते हैं स्टेट, ठीक है। अब सिंपल से सिनेरियो पर अगर बात करें कि भाई इसकी थ्योरी क्या है, तो स्टेट जो कि विद इन अ कंपोनेंट बनाई जाती है और स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी की बात करें स्टेट इन रिएक्ट जेएस, ये स्टेट है क्या, तो देखो, बिल्ट इन अ रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट, स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम। स्टेट क्या है, आप किसी कंपोनेंट के अंदर बनाते हैं किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जिसको कि आप विद इन अ कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी बात से, कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने लिखी 10। जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो 10 की जगह पर 12 हो जाए, 11 हो जाए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, विद इन अ कंपोनेंट एक वैल्यू है जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, क्लियर। तो कैसे करते हैं, अब रिएक्ट पे अगर बात की जाती तो आप कंपोनेंट डॉट जीएस के अंदर कॉन्टेक्ट डॉट जीएस वाले पेज पर है यहां पर, ठीक। लेट्स से सबसे पहले मैं क्लास कंपोनेंट पे कन्वर्ट कर देता हूं, कैसे, आरसी क्लास कंपोनेंट के एडवा, सबसे पहले कहां से सिखा रहा हूं, क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट के अंदर अगर आपने डेटा देना होता है तो आप कहां देते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू। अब ये कहां पढ़ाया जाता है, C++ में, जावा में, आप सोचिएगा। अब टीचर के लिए कितनी दिक्कत आती होगी जिसको ये चीजें पता ही नहीं होंगी, तो वो क्या समझाए, वो तो कोड लिखेगा जाएगा भाई, क्या 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 कर सकता है वो, आपको पता ही नहीं कुछ, ठीक है। क्योंकि ये अब की आई वी लैंग्वेज है, तो आपको पिछला पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं आर कॉन्स्ट, क्या लिखा मैंने देखना है, क्लास के अंदर आर कॉस्ट लिखा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, क्लियर। और यहां पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लेट से मैंने कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इस वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिख दिया, काउंट लिख दिया, कुछ भी, लेट से इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। और इसे मुझे पेज पर दिखाना है, लेट से मैंने ये काउंट नाम का वेरिएबल बना रखा है, इसे मुझे कहां दिखाना है, यहां पर किसी पर्टिकुलर जगह पर, ये मेरा काउंट जो भी दिस डॉट स्टेट, ध्यान रखना दिस डॉट स्टेट था, यहां पर मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, लेट्स से मैंने इसकी जगह पर किस पे कन्वर्ट कर दिया, काउंट लिख दिया, ये मैंने बना रखा है, ठीक है। ये पहले से था, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक उसे क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, काउंट बनाया। अब जाकर फर्स्ट की जगह पर बस, और यहां पर मुझे काउंटर की वैल्यू चाहिए कि भाई मुझे स्क्रीन में दिखे, ठीक है। लेट्स से मैंने काउंटर की वैल्यू कैसे दिखा दी, करली ब्रैकेट का यूज किया, क्लास भी मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या लिखता, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, जब मैं क्लास पे कर रहा होता था तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिनेरियो को ऐसे समझना है कि था और अब है, मैं धीरे धीरे आएंगे फंक्शन पे, ठीक है। मैं यहां पर पेज पर आया और जाकर पेज पर अगर देखूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, काउंटर की वैल्यू जीरो स्क्रीन पर दिख रही है, और ये कहां दिखाई गई है, रेंडर पर। अब देखो जो नॉन, जिसने नहीं पता है पहले से, उसको पता चल रहा होगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब जाकर पे पेज पे देखूं ये कहां पर दिखाया है, रेंडर पे। अब मैं चाहता हूं
कि जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैं क्या करता, स्टेट पर मैंने वैल्यू लिखी है और स्टेट की वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाना है तो रिटर्न के अंदर ऐसे लिख रहा हूं, और मैंने यहां पर लिखा बटन, ऐसे मैंने बटन बनाया, बटन पर क्या लिख दिया कुछ भी, क्लिक करने पर मैं इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या पास किया, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कैमल केस में लिखा जाएगा, सी कैपिटल हो क्योंकि रिएक्ट जीएस हमने इज इक्वल टू, यहां पर लेट से कोई भी एक फंक्शन कॉल कर दिया जिस फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी ऐसा कुछ भी। अब जब ये फंक्शन मैंने यहां पर लिखा है, इस फंक्शन को मेरे ऊपर क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा, तो मैं इस फंक्शन को बनाता हूं एज एन एरो फंक्शन, ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को ऊपर बनाया, जो भी मेरे पास फंक्शन बनना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी मुझे फंक्शन बनाना है मैं यहां पर उस पर्टिकुलर फंक्शन को बना दूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी मैं फंक्शन को बना रहा हूं उस टाइम पर, तो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन मैंने बना रखा है यहां पर, ठीक है, आई कैपिटल नीचे स्मॉल है, ठीक है, केस सेंसिटिव है तो क्या ध्यान देना पड़ रहा है, कैपिटल स्मॉल सारी चीजों का, जाकर पेज पर देखेंगे कोई एरर है या कुछ है तो हमें यहां पर पेज पर पता चलेगा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, और यहां क्या लिख रखा है मैंने, इंक्रीमेंट लिखा है। अब फंक्शंस को कॉल करने का तरीका ढूंढना होगा, ये फंक्शन जो मैंने कॉल कर रखा है इंक्रीमेंट, क्या इसी तरीके से होगा या सिंटेक्सुअली चेंज है, तो इंक्रीमेंट वाला सिंटेक्स देखते हैं कि भाई मुझे उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है तो मैं उसको कैसे कॉल करूं, ठीक है, ये क्या है, क्लास कंपोनेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में मैंने देखा यार ये इंक्रीमेंट कॉल नहीं कर रहा, मैंने यहां से क्या किया, दिस डॉट इंक्रीमेंट, अभी भी जब ये कॉल नहीं कर रहा होगा तो मैं इस सिंटेक्स को चेंज करूंगा, अब क्लास वाले कंपोनेंट पे, मैंने देखा यार ये दिस डॉट इंक्रीमेंट नहीं चल रहा इस तरीके से, तो क्लास वाले कंपोनेंट पे सिंटेक्स होता कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखना सिंटेक्स चेंज, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, दिस डॉट इंक्रीमेंट, और जब ये इंक्रीमेंट कॉस्ट लिखने में एरर दे रहा है तो मैंने कॉस्ट हटाया, सही है, तो मुझे क्या ध्यान देना पड़ रहा है, सिंटेक्स पे ध्यान देना पड़ रहा है, क्लास पे, देख रहे हो, एज अ डेवलपर मैं ध्यान दे रहा हूं कि भाई यहां पर दिस लिखना पड़ रहा है, दिस के साथ में कॉल करनी पड़ रही है, ऐसा करना पड़ता था, आज 18 पे है आप, वर्जन पे ध्यान दीजिए, 16 के बाद से हुक्स आया, फंक्शनल कंपोनेंट पे ध्यान देने लगे, बट पहले क्या ध्यान देना पड़ता था, ये दिस पे, कि भाई दिस डॉट समथिंग, अब सब ठीक है तो फंक्शन मैंने कॉल कर रखा है कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो ऑन कॉल हो इंक्रीमेंट कॉल, और इंक्रीमेंट पे कॉल होते समय इससे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गुड मॉर्निंग, ये आपको याद नहीं रखना है, खाली देखना है, ठीक है, ये याद नहीं करना है क्योंकि आज आप बुक्स की तरफ में काम करेंगे, तो देखना है कि ऐसा है, आप जाकर पेज पर देखेंगे, ये मैंने सेव किया और जाकर देखा कि भाई ये बटन पे जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही मैं क्या चाहता हूँ, अलर्ट पे समथिंग चाहता हूँ, अलर्ट गुड मॉर्निंग, अलर्ट समथिंग, ऐसा कुछ चाहता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, जाकर पेज पर देखने की कोशिश करी कि भाई ये अलर्ट जो है वो कोड चले, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल पर यहाँ पर चेकिंग का कंट्रोल कर, ठीक है, ये क्लिक प्रेस किया, ठीक है, अब देखते हैं क्या जो भी हमारा इवेंट है वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है इस जगह पे, इस गुड मॉर्निंग पर, इस इंक्रीमेंट पे, यहाँ पर एक एक करके चेक करते हैं कि कंसोल करके लॉग करके कि कैसे होगा, कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ लिखा, ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, कॉल हो जाए, अब जब मैंने बटन पे क्या किया है, क्लिक किया, जाकर पेज पर देखना, अब जावास्क्रिप्ट क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, कैपिटल स्मॉल पे एरर हो सकता है, फिर सिंटेक्चुअली एरर हो सकता है,
इसीलिए जावास्क्रिप्ट के कोड को आगे जाके इन फ्यूचर टफ बोला जाता है कि भाई टफ होती है जावास्क्रिप्ट। अब कहाँ मिस्टेक करी है, क्या कैपिटल है, क्या स्मॉल है, सिंटेक्स देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने क्लिक प्रेस किया, फिर देखा कि यार ये क्लिक तो क्या नहीं हो रहा, कॉली नहीं हो रहा, और जबकि मुझे क्या नहीं दे रहा, कोई एरर भी नहीं दे रहा, कोई एरर नहीं आ रहा ना। जब मैं यहाँ क्लिक पे प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब मुझे क्या देखना होगा, सिंटेक्स देखना होगा फिर से। जो भी मैंने सिंटेक्स लिख रखा है तो सिंटेक्स पे मैं फोकस करूंगा। अब सिंटेक्स कहाँ पर लिख रखा है, इस जगह पर मैं ऑन क्लिक पर एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रखा है, और वो फंक्शन का नाम क्या लिखा है मैंने, दिस डॉट इंक्रीमेंट। अब जब इंक्रीमेंट को कॉल किया है तो इंक्रीमेंट कॉल करते समय मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, parentheses। मतलब मैं एज अ डेवलपर जब क्लास कंपोनेंट पे काम कर रहा हूं तो मुझे इतना कुछ देखना पड़ रहा है। कंट्रोल प्रोसेस जाकर मैं पेज पर गया, मैंने कहा चलो भाई parentheses लगा दिया, जाकर अब क्लिक प्रेस करके देखा तो मेरे को पेज पे क्या रहा है, अब तो हम इस सिनेरियो पर हैं ही नहीं, हम तो कहां पर हैं, फंक्शन पे हैं, हम जो पढ़ते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट पे बात करते हैं, ठीक है। बट इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात नोटिस करना, यहां पर आपने जो फंक्शन बना रखा है वो कैसा बना रखा है, फंक्शनल कंपोनेंट, और ये आपके पास एरो फंक्शन है ऊपर आपने डिफाइन किया है, वो फंक्शन कैसा है, एरो है। अब एरो फंक्शंस की जगह पर अगर आप क्या करते, नॉर्मल फंक्शन बनाते, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए रहते हैं, तो आप यहां पर क्या लिखते भाई, फंक्शन इंक्रीमेंट इस तरीके से बना देते, अगर ये भी तो ठीक होता ना। अब आप नोटिस करना मेरी बात पर कि जब आपने ये बनाया होता और यहां पर आप अब लेट से कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से लिख रहे होते और आपने क्या लिखा होता, गुड मॉर्निंग, या लेट से अलर्ट करा देते हैं बटन पे, जैसे क्लिक हो जैसे कुछ अलर्ट हो जाए, क्या अलर्ट हो जाए, लेट से गुड मॉर्निंग अलर्ट या गुड आफ्टरनून अलर्ट हो जाए, कंट्रोल प्लस एस। जाकर आप पेज पर देखोगे कि भाई जो भी मैंने पेज बना रखा है यहां पर, कहीं ना कहीं फंक्शन को लिखे समय इंक्रीमेंट लिखा है मैंने और क्या कर रखा है, अलर्ट गुड मॉर्निंग कर रखा है, ठीक है, फंक्शन से तो कोई मिस्टेक नहीं कर रखी है, फिर देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, हो सकता है भाई चीजें रिमूव कर दी हूँ हाँ नई वर्जन पे, जस्ट हिट एंड ट्रायल, कंट्रोल प्लस एस नहीं क्या देता है, 11 नंबर लाइन पर एरर दे रहा है, हाँ काउंटर को ये मैंने एक फंक्शन बना रखा है नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं इसको कट करके सिंटेक्चुअली एरर दे रहा है कहीं पर, टोकन कॉन्टेक्ट डॉट जेएस 11 9 कोई एरर नहीं। जाकर इसी कंस्ट्रक्टर को अगर क्लास के ऊपर यहाँ बना दे कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, क्या नहीं लिखने दे रहा है, इस सिंटेक्स को नहीं लिखने दे रहा ना, इंक्रीमेंट वाले को देखना, कैपिटल और स्मॉल का चेक कर लेना एक बार मुझे, ठीक है, इंक्रीमेंट ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, इंक्रीमेंट है, मुझे क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है, पार्सिंग एरर, फंक्शंस पे नॉर्मल फंक्शन लिखते समय एक पार्सिंग एरर देता है, इंटेक्चुअली देखना है पर इसको लिखते समय, इस इंक्रीमेंट को लिखते समय, ठीक है, मैं सिंपली एक बार डिफाइन करके देखते हैं कॉस्ट लगा के, क्या पता क्योंकि पुराना चल गया होगा ना ये सिंटेक्सल ही हो गया अब ओल्ड ना, ठीक है, नहीं चलने दे रहा, अब नहीं चलने दे रहा है तो अब दूसरा बताते हैं तरीका कि कैसे लिखना पड़ता था, ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर फंक्शंस को बाइंड करना पड़ता था, जब नॉर्मल फंक्शन है पढ़ते ना हम एरो फंक्शन और क्या नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन अब नहीं यूज होता है, क्या होता है, एरो फंक्शन। तो आप देखिएगा जब आप ऐसे लिखते, मतलब नहीं चला, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी कि शायद कॉन्स्टेंट लिख के चल जाए, ठीक है, तो मैं फिर पीछे पीछे आया, मैंने यहाँ पर देखा कि भाई जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था इवेंट बाइंडिंग, इसमें
हैंडलिंग इवेंट्स, इवेंट्स को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए क्या कर रखा है, ऑन क्लिक पर एक एक्टिव लीजर समथिंग कुछ कॉल किया है, और इस फंक्शंस को अगर ये ऊपर बना रहे हैं तो फंक्शन को नॉर्मली बना रहे हैं तो आप नोटिस करना, और नीचे जाते हैं तो इस फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, नीचे बाइंड कर रहे हैं। देखिए एक हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बनाया, जब यहां पर क्लिक होता है तो क्लिक होके किसको कॉल कर रहे हैं, हैंडल क्लिक को, और हैंडल क्लिक के अंदर कुछ कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग करने से पहले इन्होंने क्या कर रखा है, दिस डॉट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड दिस, कहां पर कर रखा है, कंस्ट्रक्टर पर। तो मींस जब मैं इसको नॉर्मल फंक्शन बनाता तो मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करना पड़ता, बाइंड करना पड़ता। यहां पर मुझे इस फंक्शंस को बनाते समय इस पर्टिकुलर फंक्शंस को बाइंड करना पड़ता। अब अगर मेरे फंक्शंस का नाम क्या है, इंक्रीमेंट है, तो मैं इसे क्या करता, बाइंड करता। यहां पर हैंडल क्लिक, इसकी जगह पर मैं क्या लिखता, इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ लिखकर बाइंड करता, और तब जाकर देखता कि ये फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट अब ये सिनेरियो क्या हो गया है, हटा दिया गया है, और बाइंडिंग करने के लिए कहां जरूरत पड़ती थी, कंस्ट्रक्टर की। अब हम ऐसे यूज नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एरो फंक्शन बनाते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में रिएक्ट के केस में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि भाई अगर नॉर्मल फंक्शन बनाया जाता तो हमें उसे क्या करना पड़ता, बाइंड करना पड़ता। अब नहीं करते ना वैसा, अब तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर आए पेज पर। बट अगर कोई बंदा आपसे पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इन रिएक्ट जेएस, तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा एंड इट वाज यूज्ड टू बाइंड द फंक्शन। अभी हम इस पर्टिकुलर फंक्शंस को एरो फंक्शंस की तरह सिंपली ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसा बाइंड बाइंड कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कंट्रोल जेड यूज कर रहा हूं, ठीक है, सिंपली उसी जगह पे रहता हूं। आप यूज ही नहीं करते हैं तो इसलिए आपको ये दिखाया नहीं जाता है। सीधे कोड को कैसे दिखा देते हैं, देखो भाई मैंने एरो फंक्शन से बना रखा है और आप इसके आउटपुट को चेक करो कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे बनाओ। क्लियर? तो नॉर्मल फंक्शन जब बनता था तो ऊपर क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर पे बाइंड करना पड़ता था, फिर उसको नीचे फंक्शन को देखना पड़ता था, तो कंस्ट्रक्टर यूज होता था। हम जब पेज पर आए, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी नहीं पता चलेगी ना, आपको रिएक्ट नहीं समझ में आएगी, ठीक है, आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा आपको रिएक्ट समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली फंक्शंस पे बता दूं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इसने सिंटैक्स लिख दिया कुछ। यूज हालांकि हम फंक्शन पे करेंगे, हम जब पेज पर आ रहे हैं तो ये मेरे पास पेज है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने कैसे कॉल किया है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक एरो दिस डॉट समथिंग, ऐसा लिखा है, राइट, लिखा है यहां पर। इसी चीज को आपने जब पेज खोला था, यहां पर पेज जब ओपन किया था, आप नोटिस करना ऑन क्लिक इज इक्वल टू एरो नहीं लिखा, डायरेक्टली क्या लिख रखा है, दिस डॉट हैंडल क्लिक लिखा है ना। इसी सिंटेक्स को आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते पूरा सेंटेंस तो आप यहां पर दिस डॉट कैसे लिख सकते थे, इंक्रीमेंट, ऐसा लिख सकते थे, दोनों ठीक है, सही है बात, तुम्हारी बात भाई, सिंटेक्स है। आपने अभी लिखा दिस डॉट इंक्रीमेंट, ये भी आपको क्या करता हुआ दिखेगा, पेज पर वर्किंग करता हुआ दिखेगा। आप बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे रिएक्ट को, मैंने क्लिक प्रेस किया तो आपको क्या मिल रहा है, गुड मॉर्निंग। अभी आपने इसी सिंटैक्स को जब कॉल किया है उस टाइम पर किस तरीके से किया था, ऐसे बनाया था ना, इसमें आप पेरेंथेसिस में वैल्यू पास कर सकते हैं, हमने दिस डॉट इंक्रीमेंट लिखा है, जैसे दिस डॉट इंक्रीमेंट लिखा हो ऐसे था, कंट्रोल प्लस एस, ये था सिंटेक्स। आपने यहां पर इस तरीके से लिखा और जब आप क्लिक प्रेस करते हैं, ये मैंने क्लिक प्रेस किया, आपके पास क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग, दोनों ठीक है,
तो ये जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट.js ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि भाई ये ऐसे भी चल रहा है, ये ऐसे भी चल रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम। ये किसको प्रॉब्लम होगी? जो लैंग्वेज को सिंटेक्चुअली पढ़ता है उसके लिए प्रॉब्लम है। हम लैंग्वेज को सिंटेक्चुअली पढ़ते ही नहीं, हम ये मान लेते हैं कि ये कोड सही चल गया तो हाँ ठीक है। समझे बात को? ठीक है, क्योंकि अब इतना सारा कैसे याद रहेगा यार। हम इसीलिए डायरेक्टली एरो फंक्शंस बना देते हैं और नीचे से कॉलिंग अपने हिसाब से करके देख लेते हैं, चल गया हाँ चल गया ठीक। अब मेरा काम क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शंस पे, जैसे मुझे गुड मॉर्निंग को मैंने प्रिंट करा दिया, मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं बटन पर प्रेस करूं, बटन पे प्रेस करने के बाद जो मैंने काउंटर की वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, प्लस वन हो जाए, प्लस टू हो जाए, ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखता? मैं यहाँ पर पेज पर आता, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता काउंटर की वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। क्लास में बात कर रहे हैं ये, आपने सिर्फ खाली देखने हैं जो समझ में आने चाहिए। ठीक है, जो भी स्टेट की वैल्यू है उस पर काउंटर पे क्या हो जाए, प्लस वन हो जाए, जो भी मेरे को करना है। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, मैंने कहा भाई काउंटर की वैल्यू पर काउंटर प्लस वन हो जाए, ऐसा कुछ करना होता। ठीक है, ये चेक करना सिंटैक्स, काउंटर नॉट डिफाइंड कह रहा है उसको, कह रहा है इसको। ठीक है, कि ये नॉट डिफाइंड है, कौन काउंट। कौन सी नंबर लाइन? 12-16। अच्छा ये फिर से काउंटर पे प्रॉब्लम दे रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ रहा है हर बार, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस वन करना पड़ रहा ना। दिस इज दिस, ये जो दिस है ये डेवलपर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, इसीलिए 16 point something वर्जन के अंदर हुक्स के कॉन्सेप्ट को लेके आना पड़ा भाई। नॉर्मल फंक्शन बनाते समय कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंडिंग लगानी पड़ी, इसलिए सिंटैक्स किसका लाना पड़ा, एरो फंक्शंस का। और ये कब आया? ES 2015, मतलब ES 6 जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्योंकि इस तरीके की चीजों में कितना प्रॉब्लम होने लगे डेवलपर्स को कि भाई ये दिस कीवर्ड को साथ लेके चलना है तो ये हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन डेवलपर आके इस पे कोडिंग करने लगेगा। जो सिंटेक्चुअली इजी हो, जो लिखने में आसान हो, डेवलपर हमेशा उसे प्रेफर करेगा। इतना कुछ ध्यान रखना है कि भाई दिस भी चलाना है, पेज पर वर्किंग करनी है। अब जाकर आप पेज पर अगर नोटिस करते हो तो आपके पेज पर जो आपने क्लिक प्रेस किया होगा तो आप काउंटर की वैल्यू को जो भी करना चाहो, प्लस वन माइनस वन, जो भी कुछ करना चाहो आप उस पर वर्किंग करते, ऐसा कुछ होता। ठीक है, यहाँ पर आप सिंटेक्शुअली वर्क करते तो काउंटर को चेंज करते, आप फिर से सिंटेक्शुअली देखना पड़ेगा मुझे किस पे है। तो ये बढ़ नहीं रही ना, तो मैं यहाँ पर पेज पर देखूंगा कि भाई ये जो काउंटर है ये किस तरीके से पड़ेगा कि इंक्रीज हो, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर से काउंटर को नहीं पकड़ रहा, देखना यहाँ ध्यान देगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। इतने सिंटेक्चुअली पे मुझे ध्यान देना पड़ता है कि भाई जो ये काउंटर है, अब ये जो काउंटर नहीं बढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ पर नोटिस करना, जब मैं स्टेट डॉट काउंट करता हूँ तो ये काउंटर नहीं बढ़ता है। तो मुझे जब स्टेट की वैल्यू को बढ़ाना है, जब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए जो मेथड यूज की जाती है उस मेथड को बोलते हैं दिस डॉट सेट स्टेट। जब आपको इंक्रीज करनी है तो कौन सी मेथड यूज करनी पड़ती थी, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट वाली मेथड के अंदर आप जो भी इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, यहां करूंगी, समझना, क्योंकि ये सेट स्टेट डायरेक्टली लिख दी जाएगी कहां पर, फंक्शन के अंदर, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मेथड कहां से आ गई। आपने दिस डॉट सेट स्टेट लिखा और इस सेट स्टेट के अंदर अब आप काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो आपने लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस। हालांकि आपको कथा लगेगी धीरे धीरे, अब जब धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको यही चीजें आसान लगने लगेंगी, काउंटर की वैल्यू पर प्लस वन होना है, ये सिंटेक्चुअली लिखा गया।
अब जाकर अगर पेज पर देखते हो तो जो भी मैंने लिखा है क्लिक प्रेस करने पर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, वन कर रहा हूँ, टू कर रहा हूँ, थ्री कर रहा हूँ, फोर कर रहा हूँ, ऐसे काम समझ आई बात। स्टेट क्या है, स्टेट जिसमें वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सेट स्टेट पे हम जब चेंज करते हैं तो वहां करते हैं, बेसिक से प्रोग्राम की बात करते हैं। जब आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है तो जावा स्क्रिप्ट में बेसिक से, आप इसी चीज को बेसिक से लेके आते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं भाई, एक H1 टैग के अंदर आपने गुड मॉर्निंग लिखा है, बटन पर क्लिक करने के बाद आपको गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून कर देना है, ठीक है। पढ़ाते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो आप कैसे करते हैं, अब रिएक्ट में करना है ना वो, तो आपने क्या किया, अब काउंटर की जगह पर आप यहां पर क्या चाहते हैं भाई, इसकी जगह पर इसको कमेंट कर देते हैं, आप चाहते हैं एक मैसेज जिसमें क्या लिखा हो, गुड मॉर्निंग लिखा, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिख रहा हूं, ठीक है। और ये कहां लिखाना चाहता हूं मैं, किसी टैग पर, कहां, यहां पर ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ध्यान देना, कंट्रोल प्लस जेड क्लोज, यहां पर मैंने H1 टैग के अंदर दिखा दिया किसको, उस पर्टिकुलर चीज को, मैंने लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज MSG, मेरे को स्क्रीन में क्या दिखाई देगा भाई, हेलो गुड मॉर्निंग दिखाई देगा। H1 के लिए मैंने कहीं ना कहीं CSS दी, क्योंकि इससे रेड कलर बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ आ रहा है। हम जाकर अब चाहते हैं कि क्लिक प्रेस करें तो गुड मॉर्निंग की जगह पर क्या हो जाए, गुड आफ्टरनून हो जाए। तो मैंने जो डेटा बना रखा है नीचे इस पर्टिकुलर जगह पर, इसकी जगह पर मैं किसी दूसरे फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने इसे कमेंट कर दिया क्योंकि ये चीज आपके पास रहे, आपने यहाँ पर बटन बना दिया, लेट्स से क्लिक प्रेस करने पर आप किसी मेथड को कॉल करना चाहते हो, कैसे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू सिंटेक्चुअली लेट्स से मैंने दिस डॉट चेंज नाम का कोई भी क्या कर दिया फंक्शन बनाएंगे और चेंज नाम के फंक्शंस को ऊपर बना देते हैं, ये इंक्रीमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने इसे क्या कर दिया अभी कमेंट कर दिया कि वो जगह मेरा फोकस ना रहे, और मैंने यहाँ पर चेंज नाम के फंक्शन को क्या कर दिया डिफाइन कर दिया, ठीक। और यहाँ पर किसको चेंज करना है, स्टेट को, स्टेट को चेंज करने के लिए क्या यूज करूंगा, इस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर यहाँ पर किसको चेंज करना चाहता हूँ मैं, मैसेज, इसको क्या करना चाहता हूँ, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी है ना ये कर। तो यहां पर मैंने अब इस पर्टिकुलर फंक्शन पर चेंज कर दें, जो भी मैसेज में चेंज करना चाहता हूं, मैं सेमी कॉलन लिखने में भी एरर दे रहा था, ध्यान दिया होगा आपने, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है तो बिल्कुल सिंटेक्चुअली भी ध्यान रखना पड़ता है दिमाग को कि भाई यहां मिस्टेक होगी, कैपिटल में मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक होगी, मतलब रटने टाइप की लैंग्वेज है, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी आप मिस्टेक ही करते रह जाओगे। कंट्रोल प्लस है, सेव किया, जाकर पेज पर देखा कि भाई जो मैंने मैसेज डिफाइन कर रखा है क्लिक करने पर वो क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है यहां पर ऐसे कर। अगली एक सिंपल सी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं, आज सिर्फ फंक्शन क्लास पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है। जिसे आपको ये समझ आया तो आपको पढ़ना फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, फंक्शन पर यही सिंटेक्स आपको ईजी लगेगा, क्यों, क्योंकि वो डेवलपर्स के लिए इजी करके बनाया गया है। हम जाकर पेज पर अगर नोटिस करें कि भाई अगर मुझे दो बार इंक्रीमेंट करना है, मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो जाए, दो प्लस हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ करना है तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं कोड लिखता हूं एक नई फाइल पर, फिर आपको समझाता हूं क्या सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज आप दोबारा से लॉग इन कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ये आपको सिर्फ समझना है, जब तक आप ये नहीं समझोगे आप फंक्शन पे क्या लगेगा आपको, लिखा लिखा लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी जब रियल टाइम पे जाओगे, इसलिए खाली सुनना है इसे समझना है बस, ठीक है, कि भाई ऐसे लिखा जाता था ये टफ था इसलिए अब हम ऐसा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे यूज किया जाता है, अब ये देखो कितना ईजी हो गया, ऐसे समझना है।